गाइस, मैं हूँ विशाल और आप लोग देख रहे हैं अमेजिंग अनबॉक्स। तो आज मेरे पास है आप लोगों को दिखाने के लिए एक रियल गन, मतलब रियल जैसा दिखने वाला एक गन जो कि है एक लाइटर। और अनबॉक्सिंग करने के बाद वो भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कुछ ब्रांडिंग, पिस्तौल लाइटर, पेट्रो बेरेटा, यूएस 9mm, M9 असली गन की तरह जो नाम है वो लिखा हुआ है। शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं है गन के बारे में, तो जल्दी से इसको खोलते हैं। तो अंदर आपको देखने को मिलेगा इसे बबल रैप में लिपटा हुआ एक गन जो कि मेन कंटेंट, और उसके साथ आता है और दो पार्ट्स जो कि इसके स्टैंड। तो स्टैंड लगा के भी आप इसे रख सकते हो और हाथ में लेने में आपको एकदम रियल गन की तरह फील होगा। बहुत ही हैवी है और ऐसे वाले गन आपको अमेजोन पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लाइटर गन कहते हैं इसको और इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप अगर चाहो तो जाके खरीद सकते हो। 600 के आसपास आपको मिल जाएगा ये अमेजोन पे। इसकी जो डिज़ाइन है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, काम करने का तरीका है सबका सेम है। तो इस गन में आपको रेड फ्लेम भी देखने को मिलता है। तो जब मैंने इसको मंगवाया था तब ये काम कर रहा था, रेड फ्लेम जो है वो भी निकल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका जो गैस है वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसको रिफिल करने के लिए ट्राई किया तो रिफिल हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको खोल दिया और खोलने के बाद सब कुछ मामला बिगड़ गया यहाँ पे। तो इसलिए मैं इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वरना मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ ऊपर ऊपर का मैं आपको दिखा देता। खोल ही चुके हैं तो दिखा देते हैं आपको। तो पहले तो मैंने इसकी जो ऊपर की जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है उसे निकाल दिया और उसके बाद ही मैंने इसकी फ्रंट की जो एक नॉब है इसको निकाला, तो जो स्प्रिंग वगैरह वो बाहर निकल आए। उसके बाद इसकी जो बैरल है वो भी बाहर निकल आया, और बैरल जो है वो मेटल का है और बाकी जो ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक के हैं, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता, देखने में लगता है कि मेटल के ही है। और अभी मुझे इसकी जो मेन बॉडी है उसे खोलना है, तो इसे खोलने के लिए इसके ऊपर का जो रबर का जो पैड है इसे बाहर निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनको बाहर निकालना होगा। तो सारे जो स्क्रू है वो मैंने बाहर निकाल लिया, तो आप खोलते हैं इसकी बॉडी को। तो अभी झांकते हैं इसके अंदर। तो अंदर आपको जो पहली चीज़ देखने को मिलेगा वो है ये हैवी मेटल पीसेस, दो आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं के कारण जो गन है वो आपको हैवी फील होता है। ये रहा इसका ऊपर का कवर जो कि प्लास्टिक का है, और उसके बाद देखने को मिलता है इसके अंदर ये टैंक, गैस टैंक, और इसकी जो गैस की जो कनेक्शन है, जो गैस लाइन है वो जाता है यहाँ पे, और ये है इसका मेन नॉब जिससे रेड फ्लेम निकलता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं एक तार है, और ये जो तार है वो यहाँ पे जो स्पार्क है वो क्रिएट करता है, और गैस जब भी आता है आग लग जाती है, यहाँ पे जो फ्लेम है वो निकलता है आगे से। इसके बाद आपको अंदर देखने को मिलेगा इस जो स्पार्क जो क्रिएट करता है वो वाला पार्ट, जो आपको हर किसी लाइटर में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इसकी ट्रिगर, और जैसे ट्रिगर दबता है यहाँ पे जो स्पार्क है वो क्रिएट होता है, और गैस वाला जो नॉब है वो इससे दबता है पीछे से, और पीछे वाला जो पार्ट है वो जैसे मैंने निकाला तो इसकी जो स्प्रिंग है वो पता नहीं कहाँ उछल के चली गई। ये वाला पार्ट मुझे नहीं मिला और इसके कारण ये पीछे वाला जो पार्ट है वो खराब हो गया। तो मैं आपको एक बार इसे जला के दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप जो रेड फ्लेम है वो निकल रहा है अभी, और काफी गर्म हो जाता है ये वाला जो पार्ट है, मेटल पार्ट है वो काफी गर्म हो जाता है जलने के बाद। तो मैंने इसको लगाने की फिर से कोशिश की, सब कुछ सेम जगह पे डाल के लगाने की मैंने कोशिश की, लेकिन जो फ्लेम है वो आ नहीं रहा था पता नहीं क्यों। और गैस लाइन की जो पाइप है वो भी निकल गया था, तो मैंने उसको भी लगाया, और पाइप जो है वो काफी पतला है तो इसे ध्यान से लगाना पड़ता है वरना ठीक तरीके से लगता भी नहीं है। इसके अंदर जो गैस भी रिफिल किया था, तो ये वाला जो ब्यूटेन गैस देख रहे हैं कैन, इसे मैंने इसको रिफिल भी किया था लेकिन वो जल नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके जो अंदर की जो मैकेनिज्म है उसे ही बाहर निकाल दिया मैंने, क्योंकि जल नहीं रहा तो अंदर रखे भी क्या फायदा। और वापस मैंने जो गन है उसको वापस ऐसे ही लगा दिया जैसे ये था पहले, लेकिन इसके कुछ फंक्शन जो है वो काम नहीं कर रहे थे। जो मेन फंक्शन है जो लाइटर है वही काम नहीं कर रहा था इसका, और ऊपर का जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि जो स्प्रिंग है वो बाहर कूद गया था। और इस गन की जो ऊपर वाला नॉब है आप इसे खींच भी सकते हो असली गन की तरह, सिर्फ एक ही चीज जो मिसिंग है वो है इसकी मैगजीन। नीचे कोई मैगजीन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे वाला जो है
बिगाड़ चुका हूँ तो ये काम नहीं कर रहा ठीक से, मैंने किसी तरह इसको लगा के रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोगों को भी मेरे जैसा ऐसे गैजेट्स से प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ों जो है मैंने मंगवा के रखा है तो उनका भी अनबॉक्सिंग करना है मुझे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो देख नहीं पाओगे, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इतना ही।